शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में कोरोना के पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, साथ ही कोरोना से जंग हारने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में सभी ओर एक ही चर्चा चल रही है कि शहर में फिर एक बार लॉकडाउन होगा। लोग इसकी चर्चा तो कर रहे हैं मगर कोविड नियमों की ओर अनदेखी कर रहे हैं। लोगों में नियमों की जनजागृति हो, इसी उद्देश्य से महापौर और आयुक्त रास्तों पर उतरकर लोगों को समझा रहे हैं। आज का युग सोशल मीडिया है, ज्यादातर लोग हमेशा सोशल मीडिया पर रहते हैं। इसे देख महापौर संदीप जोशी ने सोशल मीडिया पर अपना एक भावनिक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में महापौर ने जनता से कहा कि शहर में इस संकट में आपका साथ महत्वपूर्ण है, आपका साथ होगा तो हम सब मिलकर कोरोना पर जीत हासिल करेंगे। आइए देखते हैं महापौर की ये भावनिक पोस्ट। नमस्कार। लॉकडाउन आणि कठोर नियम याबद्दल आपणा सर्वांच्या प्रतिक्रिया ट्विटरद्वारे, इंस्टाग्रामद्वारे, त्याचप्रमाणे फेसबुकद्वारे माझ्यापर्यंत आपण पोहोचवल्यात। आपल्या या कॉमेंट्सबद्दल मी मनापासून आपल्या सर्वांचा आभारी आहे। लॉकडाऊन असो किंवा कठोर नियमांचे पालन असो, हे सर्व तुमच्या आणि माझ्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे। आपलं हे शहर ज्याच्यावरती आपण प्रेम करतो, हे शहर निरोगी राहणं, याचं स्वास्थ्य उत्तम राहणं आणि याकरता एकत्रित होऊन, संघटित होऊन कोरोनाशी लढणं हाच आपणा सर्वांचा एकत्रित असा उद्देश आहे। या कठीण काळात तुम्ही आणि मी आपण सर्वांनी संघटित होऊन कोरोना विरुद्ध या महामारीच्या विरोधात एकत्रित होऊन लढा देणे अत्यंत गरजेचे आहे। चला आपण सारे मिळून संकल्प करूया की या कोरोनाशी आपण लढू, या कोरोनाला आपण हद्दपार करू आणि एकत्रितपणे या कोरोना विरुद्ध आपण सर्वजण उभे राहू। मी प्रतिज्ञा करतोय या कोरोना व्हायरसच्या विरोधातील लढ्यामध्ये आपण भारत सरकारने दिलेल्या सर्व दिशानिर्देशाचे कठोरपणे पालन करूया। नागपूर, लेट अस फाईट टुगेदर। आय प्लेज टू मेक माय सिटी कोरोना फ्री। डू यू? मी शपथ घेतो की मी प्रतिज्ञा घेतो आपल्या शहराला कोरोनामुक्त करेल।